पियर पोडियो, इन्होंने थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस दी थी जिसमें इन्होंने कल्चरल कैपिटल की, हैबिटस की, फील्ड की बात की थी, जिसमें कल्चरल कैपिटल एम्बॉडीड, ऑब्जेक्टिफाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है। कल्चरल कैपिटल मींस जो सोशल असेट्स एक पर्सन को मिलते हैं दैट प्रमोट सोशल मोबिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा रिच फैमिली से है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अगर वो एक वेल कल्चर्ड फैमिली से है तो वो उस कल्चर से वो कल्चरल वैल्यूज सीखेगा, उसमें वो इनग्रेंड होंगी। अगर कोई एजुकेटेड फैमिली से है तो वो एजुकेटेड होगा। अगर किसी के यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट प्रैक्टिस होता है तो वो अल्टीमेटली क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी बचपन से ही। तो इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। और इसमें ये कल्चरल कैपिटल होता है, वो कैपिटल जो कल्चर से मिलता है। मार्क्स ने बोला था जो कैपिटल होता है वो मनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट बोडो ने बोला है कि इट डजंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, इट इनहेरेंट इन फॉर्म ऑफ कल्चर ऑल्सो। इसमें क्या क्या आएगा? एजुकेशन आ सकता है, इंटेलेक्ट आ सकता है, स्टाइल ऑफ स्पीच आ सकता है, स्टाइल ऑफ ड्रेस आ सकता है। अगर कोई फैमिली में अच्छे से ड्रेसअप करता है वो अल्टीमेटली उसके अंदर वो क्वालिटी होगी कि वो उस ड्रेसअप को देखते देखते सीख जाएगा। या स्टाइल ऑफ स्पीच है, कोई अगर अच्छे से लैंग्वेज को बोलता है तो उसकी लैंग्वेज अच्छी होगी जो भी उसकी मदर टंग होगी। कोई अगर रिच फैमिली से है तो वो बहुत कुछ रिच क्वालिटीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली से ही सीख लेगा, अपने कल्चर से सीख लेगा। वहीं पर अगर कोई पुअर फैमिली से आया है तो वो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। इसमें इन्होंने हैबिटस के बारे में बोला है, टेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल या मैनरिज्म। इसमें क्या होता है कि उनकी हैबिट में वो चीज़ आ जाती है जो वो देखते रहते हैं, लाइक अपनी फैमिली से उनकी वैल्यूज़ होंगी, वो उनमें इनग्रेंड होंगी, वो उनकी हैबिट में आ चुका होगा जो उन्होंने बचपन से देखा है अपने कल्चर में या जो भी सीखा है। नेक्स्ट टॉपिक है, फील्ड इज़ अ स्पेस ऑफ पोजिशंस वेयर द पार्टिसिपेंट शेयर इंटरेस्ट्स ऑल सीक टू कैप्चर पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक कैपिटल ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, पोलिटिकल कैपिटल इन द पोलिटिकल फील्ड, इंटेलेक्चुअल फील्ड एट्सेट्रा। मच लाइक अ बेसबॉल और फुटबॉल फील्ड, सोशल फील्ड्स आर प्लेसेस वेयर पीपल स्ट्रगल फॉर पोजिशन एंड प्ले टू विन। में एक पॉइंट होता है, हाउ एजुकेशन परपेचुएट इनइक्वालिटी या एजुकेशन एज कल्चरल रिप्रोडक्शन। तो आप देखोगे जो भी टीचर्स होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, या जो भी करिकुलम बनाते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। तो जो वर्किंग क्लास होती है वो एक तरीके से डिसएडवांटेज सेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि उनसे वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। सो एजुकेशन इज़ अ टूल बाय विच द डोमिनेंट क्लास परपेचुएट हिज कल्चरल डोमिनेंस, परपेचुएट द रिप्रोडक्शन ऑफ हिस कल्चर। अच्छा, कैसे करती है एजुकेशन? लैंग्वेज के थ्रू। वो लैंग्वेज बोली जाएगी जो डोमिनेंट क्लास की लैंग्वेज होगी, या ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, जो एक रूरल बैकग्राउंड से आया उसका ड्रेसिंग सेंस अलग हो, बट अप्रिशिएट सिर्फ उसको किया जाएगा जो एक अर्बन प्लेस पर सिचुएटेड स्कूल या कॉलेज है। या कल्चरल नॉलेज, जो डोमिनेंस क्लास है उसके कल्चर को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, या जो कोई मार्जिनलाइज सेक्शन से है या रूरल क्लास से है उसके कल्चर को उतना नहीं अप्रिशिएट किया जाता है।